तो भैया फाइनली जहां की बात हम लोग 2-3 दिन से कर रहे थे वहां पर आ चुके हैं, सड़क छाप बार बाय मूड फ्रेशर्स, और हमें ज्वाइन किया मधोज भाई ने। और यहां पे देखो भाई साहब, जितना शरीर ने उससे ज्यादा तो ऑर्डर कर दिए। मैंने नहीं किया है वेज बिरयानी, मैंने नहीं किया, इसी ने किया है, और हमने हाफ किया था, अंकल जी ने फुल कर दिया। आज एक पराग वेज बिरयानी खाने वाले हमारे मृदुल भाई, और इसके साथ जो चाप के खाएंगे चाप ना, और मॉकटेल्स, उसके बाद शेक, और ये देखो यहू खाएंगे नमक लगाए के। लो लो भाई साहब, कह रहा था आज बहुत भूखे हैं, हमें खाना खाया करो, पालक सब्जी, बोड़ा घर में बनी है, कोहड़ा सब्जी, और खाएंगे यहाँ पे वेज बिरयानी। और कह रहे हैं भाई, कौन रहा है, बोल कौन रहा है, मैं नहीं खाने वाला, ये तुम्हारा ऑर्डर है भाई। मेरा नहीं है, इसने मांगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ मंगाया शेक, कैट शेक, भाई खाएगा जो है ये सारी चीजें। मैंने ये सब नहीं मंगाया, तुमने ही मंगाया। और इसके बाद कह रहा भाई बस इतना ही मंगाया, चाउमीन नहीं मंगाया, पनीर चाउमीन खाने का मन हो रहा था इनका। खैर लेकिन जोक्स अपार्ट, कैसा लग रहा है मूड फ्रेशर्स, जहां हमने वीडियो स्टार्ट करी थी पहली बार न्यू काम देने चला रहा है, ऐसा से अच्छा रहा है। हम लोग शुरू से उधर वहां के कस्टमर रहे हैं, एक तरह से घर ही हम लोगों का। मुझे याद है मूड फ्रेशर्स की मैंने वीडियो तब बनाई थी जब मेरे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, और उसके बाद मूड फ्रेशर्स की जो पहली शॉप है वो न्यू काम देने चला है बिग बाजार के पीछे थी, और उसके बाद इनका कार्ट ओपन हुआ डे नाइट पार्किंग में, फिर मीरापुर में इनका कार्ट ओपन हुआ, और अभी पनीर चौराहा कर्नलगंज के पास में इनकी नई शॉप ओपन हुई है सड़क छाप बार के नाम से। तो यहाँ सारी चीज़ों के प्राइजेस बढ़िया है, अंदर देखो बैठने की व्यवस्था भी चौचक है, और बाकी वर्चुअल विजिट कराते हैं आपको सड़क छाप बार का, टेस्ट भी टेस्ट करते हैं, टेस्ट बताते हैं, उसके बाद इसका प्राइस बताएंगे आपको। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स का एरिया है, तो स्टूडेंट्स के लिए प्राइस बहुत ही जेन्युइन है, और यहाँ पे हमने जो मंगाया है वो मंगाया है मॉकटेल। देखो मतलब मॉकटेल प्राइस देखो 50 रुपये में मॉकटेल है, शेक्स वगैरह 50-60 में, चाइनीज भी 40 का हाफ, 70 का फुल, तो प्राइजेस काफ़ी सही है। तो देखो भाई साहब, वेज बिरयानी का प्राइस है 50 का हाफ, 90 का फुल, और चाप का प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे, मसाला चाप 70 का, 70-80, मतलब ऐसे प्राइस में आपको मिल जाएगा। और अभी हमने शेक्स और मॉकटेल्स भी मंगाए हैं जो कि अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, मतलब मूड फ्रेशर्स के शेक्स और मॉकटेल्स बस वहीं पे अवेलेबल था पहले वाले इनके ब्रांच में, उसके कार्ड पे अवेलेबल, कार्ड पे नहीं था, लेकिन अभी इधर कर्नलगंज में भी अवेलेबल हो चुका है। तो हम लोग का ऑल टाइम फेवरेट बैठकी स्पॉट था, और इधर जब भी हमको यूनिवर्सिटी आता है, हम लोग सिविल लाइन बंद हो जाता था तब भी हम लोग वहाँ बैठे रहते थे 11-11 बजे रात तक। अब कोई पूछता है कि यहाँ कैसे, हम भैया फैमिली वाले हैं, मतलब एक होता है ना अलग सा संबंध हो गया है। और अंकल जी देखो वहाँ पे लगे हुए, अंकल जी मतलब रमन भाई के पापा, और रमन भाई अभी क्या है अपने डे नाइट पार्किंग पे, तो अभी वो आएंगे तो उनसे मिलाते हैं, बाकी टेस्ट करते हैं, इसको खत्म करते हैं और टेस्ट बताते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है, जैसे पहले था वैसे अभी भी सेम। मैं करता हूँ तो देख लो भैया, वीडियो हम सारे आ रहे हैं, टेस्ट बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, खासकर नजर डालो इस पे रायते पे, देखो बूंदी का रायता है, और वेज बिरयानी इनका हमेशा से लाजवाब रहता है। आज बहुत टाइम के बाद खाना हो रहा है, तो कर्नलगंज एरिया के आसपास अगर आप रहते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो यहाँ आकर पनीर चौराहे के पास में मूड फ्रेशर्स, जहाँ पे सुबह 11 बजे से चाइनीज सिस्टम सारा स्टार्ट हो जाता है, और खाने पीने की वैरायटीज आपको मेन्यू में दिखाई दी है, आप लोग खा सकते हो। टेस्ट के साथ साथ प्राइस भी बहुत सही है, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बैठने का भी सिस्टम है यहाँ पर। और इनकी स्पेशलिटी है इनका चाप, बाहर जो आपने देखा लटका हुआ वो नॉनवेज नहीं है, प्योर वेज है, और ये चाप वेज है, कम्प्लीटली वेज, जो कि सोया का बनता है ना, सोया। बहुत ही लाजवाब है भाई। मृदुल भाई दूसरी से आए, इन्होंने कह रहे थे भाई कि जब वहाँ का कवर करने चलेगा तो हमको जरूर लेके चलेंगे, क्योंकि इनको पता है जब कवर करने चलेंगे तो उनको खाने को मिलेगा। यहाँ के शुरू से फैन रहे भाई, हम शुरू से फैन रहे, बहुत लोगों को हम ले भी आए, बहुत लोगों को सजेस्ट भी किए। तो यहाँ पे हमारे छोटे से सब्सक्राइबर आ चुके हैं जो कि क्लास 9th में पढ़ते हैं अभी ना, क्या नाम है? मानव तो हम भी हैं यार मानव नाम है, और कह रहे थे कि कल मैंने ब्लॉग में बोला था कि 5 बजे आऊँगा, तो ये 4 बजे से राउंड लगा रहे थे यहाँ पे, और फाइनली मुलाकात हो चुकी है। लीजिए यार, खाइए थोड़ा सा, एक एक पीस हो जाए, वो हमने इतना खाया, इनको बताओ इतना दे रहा है नहीं, इनका चाउमीन आ रहा है। बाकी मूड फ्रेशर्स इसके पहले कभी गए थे? नहीं, पहली बार आ रहे हो? नहीं, इसकी और भी ब्रांचेस हैं, वहाँ नहीं गए हो कभी? इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है, यहाँ का ना सोया चाप खास कर। इलाहाबादी वर्ड बोल लेते हो? थोड़ा बहुत बोल लेते हैं कुछ, मतलब इलाहाबादी बोलो कुछ, चौचक टाइप्स कुछ भी इलाहाबादी बोलो, कि आज माँ का बताया रहे हो, हमका ना बताई कैसे भवा का, आज हम सौरभ भाई से मिले, बहुत बढ़िया लगे सर। और मृदुल बहुत तगड़ी इलाहाबादी बोलता है, मृदुल तुम बोलो।
बताओ इलाहाबादी पता कैसी लैंग्वेज है, ये कोई कह दे बोलने को तब नहीं निकलती है, अपने से जब फील आता है ना तब निकलती है। इलाहाबादी बोली नहीं जाती, निकलती है, ऑटोमेटिक चीज है, अंदर के खिसका तब निकलेगा। ये देखो निकल गया ना, अब कह दो बोलने को बोल दो तब नहीं निकलेगा भाई। तो फाइनली मृदुल भाई का आ चुका है वर्जिन मोहितो। तो वर्जिन मोहितो का प्राइस देख लेते हैं कितना है। ये देखो मोहितो के साथ ये भी मिल रहा है, तो इसमें इसको डाल लो ये। खा भी ली है साला। खा ही लिया भाई वर्जिन मोहितो। 50 रुपए जमीन में नहीं था, इस पे था। कैसा है टेस्ट इसका? बढ़िया। लाओ थोड़ा वीडियो बना ले। थैंक यू बोल जाओ। तो अब प्रॉपर सेटअप हो चुका है बैठने का, खाने पीने का, चाइनीज का सारा स्टॉल रेडी है। और पनीर चौराहा कर्नलगंज के पास, लोकेशन आपको चार बार बता चुका हूँ लेकिन एक बार और बता दे रहा हूँ। तो हाँ अभी सेटअप सारा रेडी हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। कैसा रहा डिश? बढ़िया था। चलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट शूट पे जो कि है हवाई जहाज चौराहा, जहाज चौराहा चले। तो मृदुल भाई अभी तो तुम्हारा पेट थोड़ा सा ही भरा था, अभी और खिलाते हैं। और मृदुल भाई को और खिलाने के लिए हम लोग ले आ चुके हैं स्टोरी कैफे पे, जो कि स्थित है आपका जहाज चौराहे के पास, मतलब मनमोहन पार्क चौराहे से जब आप लोग जहाज चौराहे की तरफ बढ़ोगे तो इधर आनंद हॉस्पिटल के जस्ट सामने वाली सर्विस लेन पे स्थित है। तो ये भी बहुत स्पेशल कैफे है और यहाँ के जो भैया हैं वो अपने बहुत खास दोस्त हैं। तो यहाँ पे हमको आलू पराठा चटनी, घर के हाथ का बना हुआ आलू का पराठा चटनी वाला टेस्ट मिलता है यहाँ पे, पेट फटने वाला है। और खासकर यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत स्पेशल होता है, लेकिन हम लोग शाम के टाइम पे आए तो थोड़ा बहुत इसको पहले तो इसका रील शूट करेंगे, बाकी देखते हैं क्या खा पाएंगे। वैसे अभी तो बिल्कुल कुछ खाने की इच्छा है नहीं और ना पेट में जगह है, लेकिन मृदुल भाई की थोड़ी जगह है तो ये खाएंगे ना। तो मृदुल भाई ने बोला था कि इस साल 2023 ये बहुत फिट रहने वाले, एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, तो उसी क्रम में हम लोग आ चुके हैं दूसरे कैफे में। बहुत बढ़िया सा अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को और अच्छा कर लूँ ना। बिरयानी खा के और फ्राई आवाज़ नहीं निकल रही, इतना खा चुके हैं फ्राई रोज खा के। हाँ चलिए अंदर भाई, तुम और वो पियो मोहितो, तुम मोहितो पियो। नहीं नहीं मोहितो पी चुके हैं। कितना खाएगा पिएगा, ये भी है भाई। वो तुम खाओ, हम नहीं खाने वाले। थोड़ा सा टेस्ट करा देना ठीक। नहीं नहीं है? ये भगवान, ये लड़का क्या खाता है। ओ भाई। तो मृदुल भाई बता रहे हैं कि इन कीवी शेक बहुत बढ़िया है ना, एक मैं लेता हूँ, सिर्फ लेता हूँ तब समझ आ जाएगा। ओ भाई साहब क्या गलती कर दी है तुमने, ये आधा आधा होगा। नहीं 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 आधा प्लीज यार, प्लीज बहुत ज्यादा टेस्टी भाई, प्लीज प्लीज अलग से दूसरा ले। ये इधर, नहीं इधर आगे बढ़ाओ, ये नहीं देने वाले हम, आगे बढ़ाओ। ना 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 ये हम नहीं देने वाले। ए भाई भाई ये हम नहीं देने वाले, ये बहुत अच्छा। कैमरा बंद हो गया, अब नहीं करना। बहुत अच्छा है यार, क्या टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा है। ठीक है तो बस थोड़ा सा थोड़ा सा। ना ना ये देखो भाई साहब, कह रहे थे भूख नहीं लगी है, कह रहे हैं भूख नहीं लगी है, टेस्ट बढ़िया है ना यहाँ का। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर। क्या हुआ, बाल नहीं चाहिए क्या? हेलमेट उतार रहा, तुरंत वीडियो स्टार्ट कर दिए, आ दर्शन कर लेते हैं। कह रहे लेट हो रहा है, लेकिन हनुमान जी का बुलावा है तो कभी भी लेट नहीं होता, ठीक है। तो शनिवार है तो काफ़ी भीड़ है, चलते हैं दर्शन करते हैं। अनुज भाई का बुलावा आया था जो मंदिर का पूरा संभालते हैं सारा कुछ, तो चलिए मिलते हैं उनसे, दर्शन कराते हैं आपको। भैया हमारे पायलट साहब मिल गए हैं, हमारे प्रयागराज के अखिल भाई, अखिल ड्रोन बॉय। और इन्हीं की बदौलत हमारा ड्रोन हमको पहली बार मिला था जो गिरा था, उसका दोबारा तो उसकी किस्मत थी, मिल गया हनुमान जी के जो आशीर्वाद से। अरे शादी में गए तो थे हम लोग ना, बस हम लोग भी एक दो साल बाद हम भी जोड़े में दिखेंगे। इनका तो अभी कम से कम 10 साल है, अभी इनकी अभी तो इनका अभी टीनेज चल रहा है ना इनका तो। तो यहाँ पे देखिए अपनी सोशल मीडिया फैमिली फिर से मिल चुकी है, और जैसा कि प्रॉमिस किया था कि अब जो भी मिलेंगे उनको व्लॉग में जरूर लेंगे, लेकिन हाँ व्लॉग में लेने से पहले पूछ लेते हैं। तो बहुत बहुत खुश है इतने दिनों बाद मिलके, हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि अब भैया मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, बट आखिरकार मिल गए। आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच। बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखिए, हनुमान जी का आशीर्वाद है,
मीटअप रखेंगे तो जरूर आइएगा ना, 50K पे रखेंगे 50K पे। और देखिए आरती स्टार्ट हो गई है, देखिए व्लॉग स्टार्ट हुआ, आरती स्टार्ट हो गई। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। हाय 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 तो मृदुल भाई चलो लड्डू चढ़ा देते हैं, पेड़ा ना यहाँ का फेमस लाल पेड़ा। हाँ चलो आओ चढ़ा लेते हैं। आर्थिक बात ऐसे चढ़ता नहीं है, बाकी देख लो चढ़ता नहीं है, आर्थिक बात नहीं चढ़ता जहाँ तक है। चलो देख लेते हैं। हरी भैया, हरी भैया, तो हनुमान जी के दर्शन के बाद भोले बाबा के दर्शन तो बनते हैं। हर हर महादेव। तो यहाँ हनुमान मंदिर जब आप आएंगे शनिवार या मंगलवार तो पीपल के पेड़ के किनारे लोग दिए जलाते हैं और भीड़ आप देख सकते हो। जय हो जय। अच्छा अब समझ में आया यहाँ पे ये क्यों लेटा हुआ है। मेरा कूलर चल रहा है, इस कमरे का कूलर बंद है, पापा कमरे में भी कूलर नहीं चल रहा, इस वजह से ये महाशय यहाँ लेटे हुए हैं। नहीं तो भाई साहब ये पापा के पास ही रहते हैं पूरे टाइम। अभी कूलर इनको प्रेफरेंस है, अभी इनकी प्रायोरिटी है कूलर, नहीं तो पापा से चिपके रहते हैं, उनके बिस्तर पे चढ़ जाते हैं, उनके पास ही रहते हैं हमेशा। अभी भाई साहब गर्मी का सवाल है तो लकी भाई कमरे में लेटे हुए हैं। बाय द वे लकी मेरा घर का नाम है। क्या बे कूलर से प्यार देखो भाई साहब, कूलर से प्यार। हाँ ये देखो पापा का मगरमच्छ है ये पगलेट। आए हाय मोटू देखो, अल्ले लाम ले।